दोस्तों 25-30 हजार रुपए में इतने अच्छे फोन्स आ रहे हैं आजकल, पूछिएगा मत। आई मीन लिटरली आई एम टेलिंग यू कि अगर आप 28-29 हजार का कोई फोन बाय करोगे तो आई डोंट थिंक यू रिक्वायर अ फ्लैगशिप फोन। वैसे आज का जो वीडियो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे कुछ थॉट्स हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, लेकिन जो नए दो फोन्स लॉन्च हुए उनके बारे में हम ज्यादा बात करने वाले हैं। नथिंग फोन 2A एंड देन CE4, नॉट CE4। जी हाँ, नथिंग फोन 2A लॉन्च करने के बाद OnePlus ने CE4 लॉन्च किया। इसकी प्राइस जो है मुझे लगता है इन्फ्लुएंस हुई है नथिंग फोन 2A के लॉन्च के बाद में, क्योंकि दिस केम एट अ वेरी गुड प्राइस एंड दिस केम एट इवन बेटर प्राइसिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनके बारे में बात करने वाले हैं, दोनों भी कंपेयर करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ है अरशद। वैसे अरशद, कांग्रेचुलेशंस ऑन ट्रैक एंड टेक इंग्लिश का रीब्रांडिंग, इट हैज बीन रिसीव्ड वेरी वेल, सो थैंक यू सो मच। जो भी देखते हैं, वैसे कंपैरिजन की तरफ बढ़ने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड यस, ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी फायदा होता है, शेयर जरूर कीजिएगा, राइट? शेयर करना इंपॉर्टेंट है, शेयर द लव, शेयर द वीडियो, डू इट राइट नाउ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या लगता है 25-30 हजार की ये जो प्राइस रेंज है, इसमें जो भी फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, वेदर इट इज ऑनर, वेदर इट इज आईकू, नथिंग, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, बहुत सारे अच्छे फोन्स लॉन्च हुए हैं 2024 में, क्या लगता है, डू यू नीड टू बाय 60-70-80 हजार रुपए फोन, जरूरत है बाय करने की? ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऑब्वियसली ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं, मिड रेंज फोन ही खरीदना चाहिए, बिकॉज फ्लैगशिप फोन्स के एडवांटेजेस हैं, वो हमें भी पता है। अगर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन चलाना है तो फिर आपको फ्लैगशिप फोन चाहिए, बिकॉज यू डोंट थिंक कि मोटो एज 50 प्रो जिसमें फ्लैगशिप लेवल के IP68 है, यू नो एवरीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम फ्लैगशिप, वायरलेस चार्जिंग है। अनदर थिंग, जेनरेटिव AI, वो एक चीज जो अभी फ्लैगशिप फोन्स में है, वो अब तक मिड रेंज में आया नहीं है, वो फ्यूचरिस्टिक जो आईफोन में किधर आया, गुड पॉइंट, एक 1.25 लाख के फोन में किधर आया। ओके, यू नो आई गेट योर पॉइंट, बट मोस्ट ऑफ 80% ऑफ व्हाट यू वांट टू डू 25-30 हजार के फोन पे आ जाए। हाँ, मैं कहूंगा 90-95%, एंड स्पेशली अगर मैं C4 के बारे में बात करूं या नथिंग फोन 2A या एज 50 प्रो के बारे में बात करूं, वाओ व्हाट अ प्राइसिंग मैन, क्रेजी प्राइसिंग यार, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया उतना होगा करके। मैं इनफैक्ट मेरे एक 2-3 वीडियो में कहा हुआ है कि यू नो द गोल्डन डेज आर बैक, जो 2019-20, क्योंकि 22-23 वाज रियली बैड, एंड देन you know 24 it was looking very good, especially for under 30,000 जैसे आपने बताया, definitely. So सबसे पहले अरशद बात करते हैं Nothing Phone 2A की, क्योंकि अभी तक number series लेके आए थे, and then they have bought 2A 25,000 की price range में, क्या लगता है overall phone 2A क्यों लॉन्च किया इन्होंने, एक तो नथिंग ने इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज, बिकॉज दे वर ऑलवेज अराउंड अबाउट 30-35, ये 25,000 में लेके आए, रीजन क्या होगा, एंड डू यू थिंक 2A विल डू वेल? 2A ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा रिसेप्शन है मार्केट में, जो एक्चुअली मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफी ज्यादा है। आपने देखा होगा कि नथिंग फोन 1 जब लॉन्च किया था तो 2A के प्राइस के अराउंड लॉन्च किया था, फिर फोन 2 उन्होंने प्राइस बढ़ा के लॉन्च किया, क्योंकि उन लोग को एक सॉर्ट ऑफ लाइक वैल्यू फ्लैगशिप लेके आना था मार्केट में। तो ये वाला जो प्राइस ब्रैकेट है जहाँ सबसे ज्यादा ऑडियंस बैठा है, एंड यू कैन क्रिएट अ ब्रांड फ्रॉम देयर, मतलब 30,000 के नीचे, तो फोन 2A नीडेड टू एग्जिस्ट एंड दे नीडेड टू गेट अ न्यू फोन मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं एक बात कहूँ, अभी जिन लोगों ने रिसेप्शन अच्छा मिला, उनके नंबर्स भी कुछ आए हुए थे कि यू नो इतने सारे फोन पहले 24 घंटे में बेचे गए, एंड दे वर इम्प्रेसिव नंबर्स, लेकिन जब मैंने CE4 का मेरा अनबॉक्सिंग डाला और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि यार मैंने रुकना चाहिए था CE4 के लिए, मैंने, डू यू थिंक दैट थॉट प्रोसेस राइट है, क्या OnePlus CE4 ज्यादा अच्छा है 2A से? ऑब्वियसली दोनों के ऑडियंसेस होंगे, विल टॉक अबाउट दैट, बट मेरे हिसाब से क्या, आई मीन वो मार्केट में सही टाइम पे आया फोन 2A, अच्छा कि CE4 के पहले आ गया ताकि वो वाला ऑडियंस पकड़ सके, बट अभी मुझे लग रहा है कि CE4 मतलब नथिंग फोन 2A को टक्कर देगा, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, और अभी एज 50 प्रो भी आ गया है, सोचो, और उसकी प्राइस मेरे हिसाब से जब मैं स्पेक्स वगैरह देख रहा था, मुझे लग रहा था 33-35 हजार तक होगी, वो अंडर 30,000 भी तो ऑफर्स आ गया, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि 27,999-28,000 में आपको मिल रहा है, आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, क्रेजी प्राइसिंग ऑन दैट, बट लेट्स टॉक राइट नाउ ऑफ 2A वर्सेस OnePlus CE4, यू नो ऑब्जेक्टिवली हर एक जो पहलू है फोन का उसके बारे में रेटिंग के साथ करते हैं, चलो लेट्स डू दैट या साउंड्स गुड, तो चलो परफॉर्मेंस से ही स्टार्ट करते हैं, लेट्स लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, एक तो डायमेंसिटी है एंड अदर इज 7 Gen 3, विच वन डू यू लाइक, लेकिन उसके पहले
यू नो लास्ट ईयर इतने सारे मिड रेंज फोन्स, लिटरली 90% फोन सब डायमेंसिटी पे ही आए थे, बिकॉज आई थिंक उस वैल्यू पे लेके आना फोन बहुत मुश्किल था विद अ स्नैपड्रैगन चिपसेट, क्योंकि मिड रेंज की स्नैपड्रैगन चिपसेट ही नहीं थी. या एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम था लास्ट ईयर. स्नैपड्रैगन 695 एक था, उसके बाद डायरेक्टली स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 था, और 7 Gen 1 था, ऑफकोर्स वो थोड़ा और पुराना था. 7 Plus Gen 2 एक ही फोन में आया और वो भी 30, हाँ एक ही फोन में आया, वो भी आई थिंक बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव, ज्यादा लोग 25,000 की काफी सारे सके. तो काफी सारे ब्रांड्स जो है वो मीडियाटेक की तरफ चले गए. तो डिमेंसिटी 7200 प्रो भी ऑब्वियसली, मतलब डिमेंसिटी 7200, 7200 प्रो, 7200 अल्ट्रा जो भी है, सिमिलर है एवरीथिंग. सो अभी मार्केट में सिर्फ डिमेंसिटी बचा था, अभी उसके कंपटीशन में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 आ गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. वैसे हेड टू हेड अगर कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली OnePlus C4 बीट करता है, अंतुदु स्कोर अच्छा आता है. हाँ, इसका लेकिन सीपीयू थ्रॉटल स्कोर थोड़ा कम है ना. यस इट डज थ्रॉटल अ बिट कंपेयर्ड टू, बट वो OnePlus का प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से. अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है एक्चुअली ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लग रहा है कि कोई और अगर आईक्यू लेके बनाता स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 ऑप्टिमाइज, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइज, क्योंकि OnePlus 12 में भी सेम प्रॉब्लम है ना. राइट. सो बट प्रैक्टिकली जब गेमिंग कर रहे हो या परफॉर्मेंस देख रहे हो, आई डोंट थिंक इट रियली मेक्स दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. अंतुदु स्कोर वैसे भी इसका कुछ 8.5 लाख के करीब आता है, नथिंग फोन 2 का कुछ 6,90,000-6,80,000 के करीब आता है. तो परफॉर्मेंस में यू विल चूज इजीली. अगर आप गेमिंग भी देख लो ना, तो भी अगर आप BGMI खेलते हो तो 60 FPS दोनों में खेल सकते हैं, बट नथिंग में आप सिर्फ स्मूथ ग्राफिक्स पे खेल सकते हो, इसमें HDR ग्राफिक्स में खेल सकते हो. ओके, सो परफॉर्मेंस गोज टू OnePlus C4. चलो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया, लेट्स क्लब दैट. दोनों का डिस्प्ले में अगर मुझसे पूछते हो, मैं कहूंगा इट इज नियरली वेरी इक्वल. वैसे जो नथिंग फोन 2A का डिस्प्ले है, मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल होने की वजह से ज्यादा अच्छा लगता है, बट यू नो दिस इज नॉट बैड ईदर. OnePlus C4 स्पेक्स के मामले में दोनों सिमिलर ही है, थोड़ा ब्रॉड लगता है, ये थोड़ा टॉल है, बट ब्राइटनेस, कलर्स के मामले में, कलर इनफैक्ट आई थिंक OnePlus C4 इज बेटर. कलर एक्यूरेसी अगर देखा गया तो फिर ऑफकोर्स नॉट डस इट बेटर देन नथिंग. नथिंग में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कलर एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है, बट वो उतना मैटर नहीं करेगा ऑनेस्टली. अंटिल अनलेस आप दो फोन साइड बाय साइड देख रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा. सो ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट मल्टीमीडिया में डेफिनेटली मैं कहूंगा OnePlus C4. यू टेल मी व्हाट यू थिंक, क्योंकि इसका जो मल्टीमीडिया है, ऑडियो स्पेसिफिकली, इज मच बेटर. स्पीकर क्वालिटी इज मच बेटर देन द नथिंग फोन 2A. हैप्टिक में भी ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हैप्टिक्स यार. ओ हैप्टिक्स इज वेरी गुड. या so o haptics seriously, matlab wo whether it is oppo phones or OnePlus, o haptics really make a difference. So display multimedia again mujhe lagta hai ki C4 gets an edge. So either be performance and display dono. Wow, so those are big things. OS ke bare mein, OS ke bare mein baat karte hain. What do you think about OS? Main aapko puchna chahta hu, OnePlus ka jo bhi naya ek kaand gaya unhone I know, but again, ये जो चीज है ना, ये you will be better to answer this, क्योंकि nothing phone as a primary device मैंने इस्तेमाल नहीं किया. You have used it nothing OS. So मेरे हिसाब से Oxygen UI is great, but nothing OS is even better. Absolutely, completely agree with that point. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नथिंग ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में उतना एफर्ट डाला है ना, वो दिख रहा है. आई रियली लाइक इट. एक तो ग्लिफ लाइटिंग है, उसके बारे में हम भूल जाते हैं, बट ग्लिफ लाइटिंग इज फंक्शनल, वो यूजफुल है. राइट, वो एक हो गया. दूसरा विजेट्स हो गया, बहुत बढ़िया विजेट्स है. प्लस मेरे को ना लॉक स्क्रीन में जब कोई क्विक सेटिंग्स के विजेट्स दे रहा है और वहां से मैं वाईफाई बंद कर सकता हूँ, वहां से मैं टॉर्च ऑन कर सकता हूँ, वो तो ऑब्वियसली दूसरे फोन, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. वो सारी चीजें जो थॉटफुल चीजें हैं ना, नथिंग काफी कुछ करता है, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है. इनफैक्ट आई रिमेंबर ऑफलाइन हम जब बात कर रहे थे, यू टोल्ड मी दैट वन लाइन दैट नथिंग OS इज द न्यू ऑक्सीजन UI. ये वर्ड तुमने 11 पुराना वाला जो यू नो एवरीवन यूज्ड टू रियली लाइक दैट, तो वो है. सो या काल पे ही तो है वहां पे. हाँ, काल पे एक यू नो कड़ी है जो OnePlus और इसे बांधती है, लेकिन अभी OnePlus के साथ वो कड़ी टूट गई है. बट यू नो व्हाट, दैट DNA स्टिल रिमेन्स. एंड OS के साथ जो एक्सपीरियंस है नथिंग फोन का, दैट इज मच बेटर. सो आई विल गिव इट टू दिस. एंड 3 साल के अपडेट्स भी मिलते हैं आपको. और इनके अपडेट्स आते जा रहे हैं. इनफैक्ट वी कांट कीप ट्रैक ऑफ द अपडेट्स. कितने अपडेट्स भाई. सो ग्रेट. हर एक अपडेट के बाद मेरे को कमेंट किया था, बताया गया एशद कैमरा एक और बार टेस्ट करके बताओ बेटर हुआ है कि नहीं. भाई साहब, कितने बार टेस्ट करें हम. सो OS में ऑब्वियसली नथिंग है. एक चीज परफॉर्मेंस में हम भूल गए यार, एंड दैट इज अ बिग मिस, UFS 2.2. दैट्स अ वेरी वेरी बैड स्ट्रेटजी. बाय नथिंग 3.1 तो होना चाहिए था, जो ऑब्वियसली है यार. मेरे को एक चीज आपसे पूछना है.
मेरा एक क्या है पता है क्या, 2024 में स्टैंडर्ड दो चीज स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यूएफएस 3.1 स्टोरेज ऑन मिड रेंज फोन्स एंड अबव एंड यूएसबी 3.1. यूएसबी 3.1 मुझे मुश्किल लगता है, H50 Pro में दे दिया लेकिन उन्होंने, बट उसमें यूएफएस 2.2 दिया, यूएफएस 2.2 क्या कर रहे हैं यार. बैटरी चार्जिंग, ओ माय गॉड, आई मीन हैंड्स डाउन C4 जीतता यार. 100 वॉट चार्जिंग है, दैट टू इन द बॉक्स एंड द 5500 mAh बैटरी. इधर नथिंग फोन 2 है, मार खाता है, आई मीन सीरियसली. ₹2,000 अगर अडैप्टर का एंड केस का 500-2,500 से एक्चुअली ये 23999 में एंड ये जो है ये 24999 में, बट एक्चुअल इसकी कॉस्ट जो है दैट इज 25999-26 इसके ऊपर जाती है. तो आई विल से नथिंग फोन 2 इज मोर एक्सपेंसिव देन C4 एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली देखा गया तो. मैं एक और चीज बात करना चाहता हूँ इसके बारे में, सस्टेनेबल पैकेजिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नथिंग क्या क्लेम करता है कि सस्टेनेबल पैकेजिंग कर रहा है, तो इसके लिए वो चार्जर बॉक्स में नहीं दे रहा है. अब मोटरोला भी तो सस्टेनेबल पैकेजिंग कर रहा है, राइट, और उनका तो पेपर बॉक्स है सब कुछ, देर इज नो प्लास्टिक एनीवेयर, बट उसके साथ चार्जर मिलता है, आपको केस मिलता है. इस बार तो मोटरोला ने H50 Pro में देव ऑल्सो गिवन अ स्क्रीन गार्ड ऑन टॉप. या स्क्रीन गार्ड भी दिया, यस. Boss, Motorola is doing very well. But right now, let's come back to Nothing Phone 2A and CE4. So, battery and charging, mein, obviously, again, CE4 wins. Now, tell me, looks, build, CMF, in sab cheezon mein, what do you think? Dekho, OnePlus bura nahi dikhta hai. All plastic, it looks nice. But, yaar, Nothing ka design kafi cool hai, yaar. Cool hai, unique hai, and a lot of people are going to like it. So, idhar main transparent, glyph lighting. Very nice. Yes. All right. The important performance display jo and battery jo important cheeze thi usme C4 jeeta hai. Camera is another very very important. In fact, for some people that is the number one thing. Yes. To camera mein humne test kiya hua hai. क्या लगता है? Easy answer है मेरे लिए तो. मेरे लिए भी. I mean we have tested it and seen it. Yeah. OnePlus for photos, Nothing for videos. लेकिन Nothing for videos बोलते उसमें सिर्फ मुझे stabilization में अच्छा लगा, but colors वगैरह में this was not bad. I mean I'm not saying not C4 is bad, but overall हाँ overall अगर देखा गया तो फिर OnePlus would win. Yeah. In camera. G Drive की लिंक दे रहा हूँ, दोनों ही Nothing Phone 2A के भी photos, videos and जो C4 है उसके भी photos और videos दे रहे हैं. But I'll tell you what, मेरे हिसाब से C4 जीतता है कैमरा डिपार्टमेंट. एक चीज मुझे डेफिनेटली बताना होगा अरुण यहाँ पे कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का इंपॉर्टेंस यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि इनका ISP बहुत बहुत अच्छा है. हाँ. इन्होंने जो सेंसर यूज किया है OnePlus ने Nord CE4 में वो LYT 600 सेंसर है. दैट इज द सेम सेंसर दैट वाज यूज्ड इन द Realme 12 Plus. वो ऑब्वियसली एक मोर अफोर्डेबल फोन है, बट इसमें वो ISP यूज करके दे हैव एक्चुअली गॉट गुड फोटो, एक्सट्रैक्टेड द मोस्ट आउट ऑफ दैट सेंसर. सो अगेन C4 इज द विनर. और एक इंपॉर्टेंट चीज या दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यू एक्चुअली परचेज द फोन, दो चीजें, एक तो सर्विस आफ्टर सेल सर्विस एंड ब्रांड वैल्यू. तो ब्रांड वैल्यू के बारे में अगर मैं बात, OnePlus इज बेटर ब्रांड वैल्यू इन इंडिया यार. OnePlus को तो सब लोग एप्पल और सैमसंग के साथ जोड़ते हैं. यस. Nothing वहां पर इट विल टेक टाइम. Nothing इज डूइंग अ गुड जॉब, नो डाउट. दे आर अ वेरी यंग कंपनी, पहुंचेगा मे बी, बट OnePlus हैज बेटर ब्रांड वैल्यू. बेटर ब्रांड वैल्यू. तो जब तुम रीसेल करने जाते हो तो ऑब्वियसली OnePlus लोग प्रीफर करेंगे एंड सर्विस आफ्टर सेल सर्विस अगेन आई थिंक OnePlus C4 दे बीन हियर इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, दे हैव अ गुड नेटवर्क ऑलरेडी. Do you think green line issue is a problem? Because servicing की से बात कर रहे हैं OnePlus का, क्योंकि again comments में हमारे लोगों ने कहा है कि green line issue है. Yeah, you should address your comments. Yeah, and yeah. That's important. लोगों के questions से सवाल है green line के बारे में. We should address it. पहले 3-4 महीने में अभी तो नहीं आया, हुआ था पिछले साल definitely. But I think I'll give benefit of doubt to OnePlus and they took that issue head on. They replaced वगैरह उन्होंने वो सब किया हुआ. So I'm not going to put this phone down because of that green line issue, but servicing may be C4 ही जीतता है because of their network. They still have a long way to go क्योंकि ये नया brand है, right? तो most of the OS looks and design ये छोड़ के बाकी जो important aspects है उसमें सब में OnePlus C4 जीतता है. I mean I think probably in 7 or 8 other factors C4 जीतता है easily यार. मतलब subjectively objectively सभी जगह से देखो I would recommend the Nord CE4 to anybody over the phone 2A.
आई मीन फोन टू ए भी अच्छा है, मेरे को मजा आया यूज करने में, बट यार हम प्रैक्टिकली एडवाइस देंगे. सो देयर इट इज, वन प्लस नॉर्ड सी फोर जो है इज द विनर इन आर कंपैरिजन. एंड ये ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली प्रैक्टिकली सब जगह से हमने कंपेयर किया हुआ है, दिस वन विंस हैंड्स डाउन. बट ये वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वन प्लस ने मिस किया है एक चीज और वो है एनएफसी. आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं यार, एनएफसी होना चाहिए था. बट हाँ, आयर ब्लास्टर है. आप मुझे बताइए, वन प्लस में आयर ब्लास्टर है, एनएफसी नहीं है. इसमें आयर ब्लास्टर नहीं है लेकिन एनएफसी है, विच वन विल यू प्रीफर आउट ऑफ बोथ? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और ये वीडियो कैसे लगा डू टेल अस. अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.